अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले एनपीपी के मौजूदा विधायक तारिन डाकपे ने भाजपा ज्वाइन कर ली है। भाजपा ज्वाइन करने से पहले उन्होंने एनपीपी से इस्तीफा दिया। वर्ष 2019 में तारिन डाकपे ने पीपीए प्रत्याशी को 167 वोटों के अंतर से हराकर जीत दर्ज की थी। मैं आज यहाँ में होली का पर्व में हम अपना आपको बीजेपी में इसलिए सबमिट कर रहा हूँ कि बीजेपी जो है बहुत एक बिगेस्ट पार्टी है इन द कंट्री एंड ऑल्सो लार्जेस्ट पार्टी इन द वर्ल्ड। ये जो एक पार्टी है इंडिया के लिए रैली बहुत अच्छा करते हैं। हम अभी जो आया है हमारा डिस्ट्रिक्ट नया डिस्ट्रिक्ट है, रिसेंटली जन्म हुआ डिस्ट्रिक्ट है, इसको आगे बढ़ाने के लिए भले मैं जो काम किया था बहुत काम तो हो चुका है हमारा पेमाकांडू साहब ने हेल्प करके, जो काम अधूरा है उसको हम अपोजिशन करके काम करके इतना लाभ नहीं है क्योंकि हमको मिलकर जाना है। इसलिए हम अभी जो ऑफिशियल कैंडिडेट है रतन तबिन को, क्योंकि ऑफिशियल बीजेपी का ऑफिशियल कैंडिडेट है, उसको सपोर्ट करते हुए मेरा जो अधूरा काम है वो कैरी ओवर करके रकमले को आगे बढ़ाने के लिए मैं जो आज बीजेपी में शामिल हुआ है क्योंकि मेरा कमले डिस्ट्रिक्ट का डेवलपमेंट के लिए। भाजपा में शामिल होने के बाद तारिन डाकपे ने कहा कि रागा सीट से भाजपा के टिकट पर मैदान में उतरे रोतोम तेबिन पर उन्हें पूरा भरोसा है कि वे उनके क्षेत्र को और विकसित करने के लिए काम करेंगे। पर्सनली थैंक्स देता है कि हमको विश्वास करके उसका जो रेस्पॉन्सिबल हमको सौंप के आज नेशनल पार्टी बीजेपी में ज्वाइन करके जो उसका अधूरा चीज को हमको कर सकेगा बोल के सोच के सबके जा रहा है, इसी के लिए हम पर्सनली थैंक्स देता है। तो सर अभी आप कॉन्फिडेंट है कि आप चुनाव में जीतेगा? अभी एक सिटिंग MLA NPP से आज BJP ज्वाइन कर लिया है जो आपका ही पार्टी है, अभी तो उसमें ज्वाइन किया है, तो आप अभी कॉन्फिडेंट है क्या सर? ये तो 100% कॉन्फिडेंस है, पहले से कॉन्फिडेंस है, तो 100% जीतेगा बोल के रूलिंग में आके नहीं जीतने से तो हम यहाँ में मैदान में उतर के क्या फायदा है। तो आप कॉन्फिडेंट है ना? यस 100%, 101%।